TCS OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि OTR अब UPPSC ने कंपलसरी कर दिया है। UPPSC की कोई भी वैकेंसी होगी, जैसे कि आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं लाइक एज खंड शिक्षा अधिकारी, RO ARO, GIC प्रवक्ता और भी कई सारी वैकेंसीज है, इनका विज्ञापन जारी होगा। अब मैं जल्द शब्द नहीं जोड़ूंगा कब तक जारी होगा ये पता नहीं है, लेकिन RO ARO के लिए जो विज्ञापन है वो जुलाई के अंत या फिर अगस्त में हो सकता है कि आ जाए। फिलहाल कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी कर दिया गया है। और इसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि अगर OTR में कोई त्रुटि आपसे हो जाती है तो उसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि ये जो OTR होता है ये दो माध्यम से आप कर सकते हैं, साइनअप और लॉगिन दोनों के माध्यम से आप कर सकते हैं। OTR करने का जो पूरा प्रोसेस है वो ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि OTR कैसे करते हैं। अगर OTR आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और फिलहाल यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि OTR के बाद 3 बार संशोधन आप कर सकते हैं। तो एक बार OTR हो जाने के बाद उसमें अधिकतम 3 बार पुनः संशोधन किया जा सकता है। OTR प्रक्रिया अविलंब पूर्ण कर अभ्यर्थियों को OTR पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वो किसी भी परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाएंगे। वे परीक्षाएं जो UPPSC करवाता है, कई बार लोग पूछते हैं UP SSSC के बारे में कि सर ऐसे है OTR नहीं किया है। भैया UPPSC का OTR अलग है, UP SSSC का अलग है और UPSC का अलग है, ठीक है। तीनों में अलग अलग OTR होता है, ऐसा नहीं कि आपने UPSC में कर लिया तो बाकी में चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये उनके लिए है जो लोग नीचे कमेंट करेंगे अभी कि उनको जो है अगली जो वैकेंसी है UP SSSC की उसके लिए OTR UPPSC में करेंगे, UP SSSC में करें। कई बार ऐसे सवाल आते हैं, बड़ा ही उलझन होता है कि क्या लोग पूछ रहे हैं। फिलहाल फ्रेंड्स OTR प्रक्रिया आयोग की वेबसाइट UPPSC.UP.NIC.IN पर आप जाएंगे, इसके बाद सबसे ऊपर ही लिंक आता है, उस पर क्लिक करने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट में आप OTR को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप मोबाइल नहीं बल्कि सिस्टम का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि जो वेबसाइट है वो मोबाइल के कंपैटिबल नहीं बनाई गई है, वो वेबसाइट पर ज़्यादा बेहतर काम करती है, ठीक है, तो उसी पर जाकर कीजिएगा। अगली खबर है देखो, यहाँ पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर की ओर से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, इसके अलावा कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा, कला, उर्दू, लेखाकार, सहायक रसोइयाँ और योगा, कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर गणित के लिए कुल पद 5 हैं, विज्ञान 1, गणित 3, सामाजिक विषय 3, कंप्यूटर शिक्षा 3, शारीरिक शिक्षा 1, कला क्राफ्ट वाले में 4, उर्दू में 1, लेखाकार में 3, तो कुल मिला के 29 पद हैं। और यहाँ पर जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ होंगी उनको 22,000 रुपये, अंशकालिक शिक्षिकाओं को 9,800 रुपये और उर्दू शिक्षिका को 13,200 रुपये, लेखाकार को 11,000 और सहायक रसोइयाँ को 5,175 रुपये जो है महीने में मिलेगा, ये मानदेय होगा। तो इसके लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आप जो हमीरपुर की NIC वाली वेबसाइट है उस पर जाकर, या फिर फॉर्म का प्रारूप मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप चाहें तो हाथ से ही लिख कर या फिर उसको टाइपिंग करवा के आप भेज सकते हैं। लेकिन ये आपको पंजीकृत डाक से यानी कि रजिस्ट्री करनी पड़ेगी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में आपको भेजना होगा। बाकी जो जानकारी वो यहाँ पर आपको दे दी गई है। ध्यान दीजिएगा कि 25 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट लगाई गई है। नेक्स्ट न्यूज़, 307 शैक्षणिक पदों पर भर्ती को मांगे आवेदन। तो BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है और यहाँ पर अनारक्षित, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और बेंचमार्क डिजेबिलिटी श्रेणियों के लिए विस्तृत जानकारी दी गई है। यानी कि रिक्त पदों में 85 पद प्रोफेसर के हैं, 133 एसोसिएट प्रोफेसर के हैं और 89 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन आवेदन BHU में चल रहे हैं, अगर आपको आवेदन करना है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी उस पर मैं आज अपलोड करूंगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल हमारा है
उसको भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना। एलटी ग्रेड भर्ती के चयनितों की द्वितीय सूची की जाए, यानी कि आपने यह बताया जा रहा है कि एलटी ग्रेड में जो 2018 की परीक्षा हुई थी उसमें जो पद रिक्त रह गए थे तो उन पदों के सापेक्ष आपको, आपने देखा होगा कि ईमेल पर जानकारी मांगी गई थी। अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो चयनित हुआ था लेकिन वो अब अपना जो पद है वो छोड़ना चाहता है तो ईमेल के जरिए उनसे जानकारी मांगी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर एक वेटिंग लिस्ट तैयार की गई है, यानी कि अब एक दूसरी सूची तैयार की गई है, इसमें उन लोगों को नियुक्ति दी जाएगी जो ज़रा सा नीचे थे, यानी कि वेटिंग में थे। ठीक है, हालांकि वेटिंग लिस्ट तो आई नहीं थी लेकिन ये दूसरी सूची है जिसमें छोड़े गए पदों के सापेक्ष नए चयनितों को शामिल किया गया है। तो 5 विषयों में रिक्त 946 पदों के लिए कुल 914 लोगों का चयन किया गया है। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से विषय हैं तो जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, कला और अंग्रेजी विषय के कुल 946 पद हैं जिस पर 914 लोगों को चुना गया है। तो उप सचिव विनोद गौड़ के अनुसार प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी और ये जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शेयर कर दी गई है, तो जाके अभी चेक कर सकते हैं कि अगर आपका नाम इसमें है या नहीं है। तो विषय हैं जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, कला और अंग्रेजी। ठीक है, और फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो अगली खबर है 10,000 रुपये के लिए बना साल्वर, यानी कि ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मात्र 10,000 रुपये। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं कि 10,000 रुपये, अब सोचो कितनी छोटी अमाउंट होती है। एक पढ़ा लिखा आदमी ही होगा, तेज रहा होगा तभी तो साल्वर बना, और मात्र 10,000 रुपये के लिए इसने अपनी ज़िंदगी चौपटा नाश कर लिया। अब मतलब यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं इसका कुछ न कुछ तो हो ही जाता, लेकिन अब फिलहाल तो इसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब ये कहीं का नहीं बचा है आदमी 10,000 रुपये के लिए। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी के साथ मतलब इतना भी प्रयोग नहीं करना चाहिए कि ज़िंदगी ही सत्यानाश हो जाए। और 10,000 रुपये में आज का मिलता क्या है, एक टेलीविज़न तक नहीं आप खरीद पाएंगे, या यूं कहें तो अगर एक बढ़िया जूता भी लेना चाहें तो आपको नहीं मिलेगा। मार्केट में जाके पता कर लीजिए, जूतों की कीमत भी 15,000 से ऊपर तक चली गई है भाई, और भी महंगे हैं, लेकिन एटलीस्ट 10,000 रुपये में तो एक बढ़िया सा जूता भी नहीं मिलता है, और उतने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। फिलहाल तमाम लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही पकड़े गए हैं जो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि रेटिना जो है वो स्कैन हो जाएगा। मतलब स्थिति तो इतनी ख़राब है कि समझ में नहीं आता है कि वीडियो एग्ज़ाम जो हुआ है वो पिछली बार से बेहतर हुआ है कि इसमें और भी नए लोग ऐड हो गए, क्योंकि स्थिति मैं देख रहा था कि लगभग हर ज़िले में, हर जनपद से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर, वहाँ पर, इस थाने में, उस थाने में FIR हो रही है, इस सेंटर पर पकड़े गए, उस सेंटर पर पकड़े गए। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हमने देखा होगा कि कान के अंदर से ब्लूटूथ डिवाइस निकाला जा रहा है, तो पता नहीं। वैसे भी पुलिस भर्ती वालों ने एक बड़ा शानदार तरीका निकाला है नकल रोकने के लिए, और मुझे लगता है वो बड़ा सही तरीका होगा। उसमें ये कहा जा रहा है, ये देखो मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि जो पुलिस भर्ती होने वाली है उसमें जो परीक्षा होगी उसमें जो प्रश्न आएंगे वो स्क्रीन पर आएंगे और आंसर आपको OMR पर देना पड़ेगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रश्न आएगा और उत्तर OMR पर जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका तो मुझे बेटर लग रहा है, अभी तो यही सबसे बेहतर लग रहा है कि स्क्रीन पर क्वेश्चन आए और आंसर जो है आप OMR पर गोला करें। फिलहाल दोस्तों अगर आप चाय के शौकीन हैं तो एक बेहतर सलाह दूंगा आपको, उसकी जगह कॉफ़ी पिया करो। मतलब ये कि कॉफ़ी देखो 1-2 रुपए का पैकेट भी मार्केट में उपलब्ध है, गर्म पानी, ज़रा सी चीनी, उसमें ज़रा सी कॉफ़ी डाल के पियो, इससे आपका कंसंट्रेशन बेटर रहेगा, ये चाय से बेटर है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पर एक शोध हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनका दिमाग ज़्यादा सजग रहता है। 2-4 बार ट्राई कर लो, अगर लगता है कि हाँ ठीक ठाक है तो सही है, नहीं तो भैया चाय तो चाय है। और फिलहाल ये सारी जानकारी थी और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज कुछ ज़रूरी चीज़ें और भी अपलोड की जाएंगी, जैसे कि आपका जो चैनल है IAS PCS मास्टर क्लास, इस चैनल पर मैं आज चर्चा करूँगा। बिहार PCS की जो वैकेंसी आई हुई है उसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके लिए सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा। और इस चैनल पर आपको बताया जाएगा कुछ नई शिक्षक भर्तियों के बारे में, साथ ही साथ कुछ क्लियरेंस भी आप अभी देना शेष है जो बिहार शिक्षक भर्ती आई हुई है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोगों के लगातार आ रहे हैं, और कुछ नई नोटिस भी आई हुई है उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल पर आप बने रहें, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ज्वाइन कर लें,
क्योंकि वहाँ पर हर वीडियो का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आपसे कोई वीडियो छूट भी जाता है महत्वपूर्ण होगा तो दिन में एक आध बार आप टेलीग्राम को चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वीडियोज आपसे छूट गए हैं, क्या जानकारी आपसे रह गई है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ, जो बिहार शिक्षक भर्ती वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अलग टेलीग्राम चैनल मैंने क्रिएट कर दिया है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।